मतलबी लोगों की दुनिया में अपनी बेटियों को इस्तेमाल होने से बचाएं। किसी की हलवा पूरी खाने के लिए नहीं पैदा हुई हैं आपकी बेटियां, और वो माता रानी जब बड़ी होके किसी के यहाँ बहू बन के चली जाए, खुदा ना खास्ता बेचारी एक दिन 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए उठने में, तो उस माता रानी की वो इज्जत उतार दी जाती है। आज का जो व्लॉग है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और मेरे मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना वो आ रहे हैं, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज से हमारे यहाँ नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। लोग भर भर के अपना स्टेटस लगा रहे हैं, हैप्पी नवरात्रा माता रानी, आपके यहाँ वो करे, आप समझ सकते हैं। सब कुछ देख के मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। मैं पूछना चाह रही हूं आज, तो पहला जो क्वेश्चन है ना मेरा ये है, क्या आपकी बेटियों की इज्जत आप खुद करते हैं जो आप दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्वेश्चन नंबर पहला था ये। दूसरा क्वेश्चन नंबर ये है कि सिर्फ 9 दिन क्या लोग ये सोचते हैं कि जो बेटियां हैं वो माता रानी का रूप है, उनका स्वरूप है, बाकी पूरे साल फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? सिर्फ 9 दिन ही क्यों उन बेटियों को माता रानी का रूप स्वरूप समझा जा रहा होता है? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या वो पेरेंट्स जिनके यहाँ बेटियां हैं, भाई थोड़ा सा ध्यान देके इस बात को सुनना, क्या वो पेरेंट्स जिनके यहाँ बेटियां हैं वो ये सोचते हैं कि आपकी बेटी को एक दिन दो दिन वो हलवा पूड़ी, आपका पड़ोसी हलवा पूड़ी हलवा और वो काले चने की सब्जी खिला के उसको इज्जत दे रहा है, वो उसको वहां देवी का रूप दे रहा है आपके घर में, क्या आपकी बेटी खाना नहीं खा रही? क्या पड़ोसियों का हलवा पूरी साल में एक बार मिलने से आपकी बेटी माता रानी हो जाती है? चौथा क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि जो पूरे साल में एक दिन आपकी बेटी के पैर अपने घर में धो ले, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, भले ही वो इन फ्यूचर आपकी बेटी पे उंगली उठाने के लिए खड़ा है, अगर आपकी बेटी से कोई ऐसी गलती हो जाए तो वो उस टाइम वो माता रानी कहाँ चली जाती हैं? जिन बचपन में जिन बेटियों में उन लोगों ने वो स्वरूप देखा कि आज ये माता रानी है, उसका रूप है, इनके पैर धो, इनको माथे पे टीका लगाओ, इनके वो लाल धागा डोरा बांधो, केले दो, 10 रुपए दो, टिफिन लाके दो, इन फ्यूचर जब वो आपकी बेटियों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है, कोई उंगली उठा देता है, तब आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी बेटियों की इज्जत हो रही है? प्लीज, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो एक बार प्लीज वीडियो में पीछे जाके दोबारा से मेरे क्वेश्चंस को सुने और समझने की कोशिश करें कि आपकी बेटियां हैं, अगर उनको इतनी भी इज्जत उस घर में मिल जाए ना कि वो बेटियां हैं, छोड़ दें ये माता रानी और उसका रूप और स्वरूप, सिर्फ इस उम्मीद पे डटे रहें, या मैं कहती हूं कि अपनी बेटियों के लिए कोशिश करें कि उनको आपकी बेटी ही समझ लिया जाए। 4 दिन के बाद वही बेटियां अरे खा लेंगी, पी लेंगी, पढ़ लेंगी, ब्याह थ्या देंगे, मेरा मतलब है कि शादी वादी कर देंगे, अपने घर की हो जाएंगी, फिर उन माँ बाप का उन बेटियों के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं होता, उन भाइयों का। बस ये 9 दिन जो आए हैं नवरात्रे के, उसी में आपकी बेटियों को माता रानी समझा जाता है, और वो माता रानी जब बड़ी होके किसी के यहाँ बहू बन के चली जाए, खुदा ना खास्ता बेचारी एक दिन 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए उठने में, तो उस माता रानी की वो इज्जत उतार दी जाती है कि उसको खुद को रोने पे मजबूर हो जाती है, और माँ बाप तक की बात पहुंच जाती है फिर वो माता रानी। फिर उनको सारे मतलब संस्कार सिखा दिए जाते हैं, फिर वो माता रानी का रूप नहीं रहती। मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि जिनके यहां बेटियां हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बेटों की जरूरत नहीं है, दोनों जेंडर बराबर हैं, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है कि ये बेटियां हों, किसी के यहाँ बेटे हों, लेकिन मेरी बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है उन पेरेंट्स से जिनके यहाँ बेटियां हैं। अपनी बेटियों की इज्जत समझो,
एक दिन के लिए किसी के यहां हलवे पूरी के लिए मरी नहीं जा रही तुम्हारी बेटी। आ जाएंगे अब पड़ोसी थोड़ी देर में मुंह उठा के, मैडम नवरात्रा है आपकी बेटियों को भेज दो, समझ रहे हो आप। बाकी हमारी बेटियों को उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनकी हमारी बेटियां फिर पूरे साल क्या कर रही हैं, और खुदा ना खास था इन फ्यूचर हमारी बच्चियों से कुछ गलती हो जाए तो पेरेंट्स तो छोड़ो, पूरा का पूरा परिवार खिलाफ, करेक्टर लेस उनको साबित कर दिया जाता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या कह रहे हैं। फिर वो देवियां भाड़ में जाएं, कहीं से भी निकले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलबी लोगों की दुनिया में अपनी बेटियों को इस्तेमाल होने से बचाएं। किसी की हलवा पूरी खाने के लिए नहीं पैदा हुई हैं आपकी बेटियां, अपने घरों में अपनी बेटियों को इज्जत दो तो सब इज्जत करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो नवरात्रे चल रहे हैं ना अभी स्टार्ट हो जाएंगे पूरी छोले बटने कि अपनी बेटियों को भेज दो, सुंदर सुंदर उनके हाथों में दो दो केले, टिफिन, दस दस रुपए के नोट, और आएंगी वो यूं प्लेट ले लेके। हमारी बेटियां इसलिए पैदा नहीं हुई हैं कि किसी के घर की एक दिन की इज्जत बनाने के लिए उनके घर हम देवियां बना के भेज दें। अपनी बेटियों को बेटियां समझ लो, वो भी बहुत काफी है जी। शुक्र अदा करूंगी मैं अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर किसी एक को भी मेरी वीडियो में सच्चाई नजर आए तो शेयर जरूर करें इसको। हैप्पी नवरात्रे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, समझ जाए प्लीज।